हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। माय नेम इज भावेश। माय नेम इज भूमिका। माय नेम इज जगदीश। तो आज बहू क्या दिखाने वाला? हम रिएक्ट करने वाले हैं व्हाट इज सक्सेस। व्हाट इज सक्सेस, साहिल अदी मोहम्मद अली, अ सिंपल आर्गुमेंट। ओके, तो ये रिक्वेस्टेड है? हाँ, कि सर्च है रिक्वेस्टेड। ओके, तो हमारे पास काफी रिक्वेस्ट आई थी अकॉर्डिंग टू भाऊ, तो देखते हैं कि वीडियो में क्या है। व्हाट इज सक्सेस, तो सक्सेस क्या है, सफलता क्या है, कोई मैसेज है, कुछ है, कुछ भी है, तो वीडियो देखते हैं उसके बाद बताते हैं आपको। तो अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और बाकी चिंकी की तरह बैठे रहिए। ओके, तो शुरू करो। व्हाट इज सक्सेस, अगर आपसे कोई पूछे कि सक्सेस क्या है, और अगेन मैं फिर वही थोड़ा सा क्लियरेंस और चाह रहा हूँ, बिकॉज हमारी ऑडियंस जो है ना वो ये क्वेश्चन ज़रूर करेगी कि यार पैसा तो हज़रत उस्मान के पास भी था, अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास भी था, और आज के तो वो बिलियनियर से भी बढ़कर। आप ये लिस्ट पूरी करें, ये हर मुसलमान का बहाना है। हज़रत उस्मान, अब्दुर्रहमान बिन औफ के अलावा दो नाम और बताएं। मुझे भी ऑनेस्टली ये दो नाम है ना, ये दो बनाए हुए बहाने के तौर पर हिसाब लिखे हुए हमने। देखें, अगर कोई ये कहता है कि यार अगर अल्लाह ने मुझे देना है, not compromising my religious duties, मैं अपनी religious duties compromise नहीं करता। which I am proud of, I'll tell you how to look at money. मैं अपने उस्ताद के पास गया था, and I said मैं एक और business करने लगा हूँ, ये वाला business के अलावा। and he said क्यों? I said risk की वुस्तत की दुआ है, हम risk की वुस्तत में खेल चारों। he told me in one statement, okay, in one statement, he said बेटा बात ध्यान से सुन ले, पानी की टैंकी है, जितना पानी भरना था अल्लाह ने भर दिया, अब तू एक नलका लगा या दो नलके, पानी जब तक तू पूरा नहीं करता तू मरेगा नहीं। सही, ठीक है, अब तू 10 नलके लगा या एक नलके लगा, पानी तो उतना आना ही आना जितना तेरा लिखा हुआ है। अब तू 10 दुकानें खोल जाके, मेरी तरफ से मुझे कोई मसला नहीं है, तू खोल, हराम नहीं है, खोल। क्यों अपने आप को उस जगह पे इन्वॉल्व कर रहा है जिस जगह की गारंटी अल्लाह ने ली हुई है? ये मोटिवेशनल स्पीकर क्यों नहीं बताता है कि एक ही चीज जिसकी टेंशन नहीं लेनी तुमने, वो है कि कितना कितना देर तक आना है। सुभान। और मुझे भाना क्या पता, कहता मुसलमान बच्चे, सर इथियोपिया वालों का क्या कसूर है? जैसे कि इनका कोई चाचा का बेटा इथियोपिया में कैसे मर रहा है। ये अल्लाह ताला के बिहाफ पे कंप्लेंट दाग रहे मेरे ऊपर कि इथियोपिया में कहत आ गया उनको, जैसे उनको भी कोई टोनी रॉबिन्स या यहाँ का कोई लोकल मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए, वो भी कुछ कर लेंगे इस बारे में। सो अगेन गोइंग, मैंने आपसे कहा ना शुरू में ये 3 घंटे का सेशन हो जाएगा, तो सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स है, वेरी सिंपल। जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपके अंदर एज एन अट्रैक्टिव ट्रेड डाल दी हुई है, वो रिसीविंग नहीं है, वो गिविंग है। दैट्स इट। वो आपके ऊपर हो तो आप एहसानमंद हो जाते हैं, आप किसी और पर करें तो लोग आपके एहसान मंद हो रहते हैं कि दिस इज़ द रियल मैन, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस इज़ द ओनली थिंग दैट ह्यूमन बीइंग्स आर कमिंग हियर ऑन दिस प्लैनेट फॉर, कि लोगों की बेहतरी हो सके। किसी एक आप मुझे आसान सा, मैं आपको एक टेस्ट बताता हूँ तमाम ऑडियंस के साथ, मैं हमेशा ही करता होता हूँ। बिल गेट्स से पहले और कारून के बाद, कारून के बाद 3000 साल बनते हैं, बिल गेट्स से पहले कारून के बाद, कोई से 3 बिलियनर्स के नाम बताएं। सही, नहीं मिलेंगे ना, बिल्कुल, और करोड़ों की तादाद में है, मगर मिलेंगे पता क्यों नहीं? क्योंकि उससे पहले ये सेलिब्रिटीज नहीं होते थे, लोग इससे पहले ट्रेंड ही नहीं था। नहीं, लोग इसको हद तक समझते थे कि यार मैं लोगों के लिए कुछ करने आया हूँ, अपने लिए कुछ करने आया हूँ। और अब केमिस्ट्री इतनी चेंज हो गई जी, ये जो केमिस्ट्री डोपामिन पे हिट की है ना इन्होंने, उसके बाद एवरीबडी, भाई तो कह रहा हूँ, इतना IQ ड्रॉप कर देता है कि यू लूज द बिग पिक्चर कि दुनिया में असल में मकसद क्या है काम इंसान का। उसको मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बोलते, उसको क्या कहते हैं? रिलीजियस स्पीकर, जो ऐसी बातें करता है। सही, कि दुनिया के मकसद बता रहा होता है वो। आप बताएं न्यूटन के पास कितने पैसे थे? नो वन नोज, क्योंकि वो बेचारा इस बेस पे मशहूर नहीं था। सही। ऑस्कर कितने बंदों को इस साल मिला है? हर लड़की हर लड़के को पता है, हर अम्मी हर अब्बू को पता है। बताएं इस साल कोई से 4 बंदे बताएं जिनको नोबेल प्राइज मिला है? किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ऑस्कर के पीछे डॉलर साइन लगा हुआ है, फेम लगा हुआ है, दैट्स इट। नोबेल प्राइज के पीछे फेम नहीं लगा हुआ। रोनाल्डो और मेसी के डॉलर निकालूं, मैं देखता हूं कौन फुटबॉल खेलता है दुनिया में।
सही। सोचने वाली बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल गेट्स के डॉलर निकालो फिर मैं देखता हूँ कौन इसकी बुक्स खरीदता है। सही। People just want whatever they can get. They are receivers and they are being made to become receivers because selfishness is the most contagious disease in the planet. And the sooner we realize it, the sooner we'll understand कि कौन सा बंदा डॉक्टर है और कौन सा बंदा बीमारी निकालने वाला है, कौन सा बंदा बीमारी डालने वाला है। सही। और मोस्ट ऑफ दीज मोटिवेशनल स्पीकर्स इधर दे पुट इन द डिजीज, दे डोंट इवन नो, अपनी अच्छी नीयत से भी लोगों को वो जो है ना ऑल्टर की तरफ लेके जा रहे हैं। ये बात हमारी फितरत के अंदर है, हमारी फितरत के अंदर कि हमें वो वाला बंदा नेचुरल अट्रैक्शन देता है। अल्लाह ताला ने ये लिख के हमारे अंदर स्टोर कर दिया हुआ है, इसको सेरोटोनिन कहते हैं, कि हमें वो नेचुरल अट्रैक्शन देगा कि जो गिवर है। हमें अब्दुल सत्तार इदी नेचुरली अट्रैक्ट करता है, हमें पॉलिटिशियन नेचुरली अट्रैक्ट नहीं करते बिकॉज ये खुद महलों में रहते हैं और हमें गुरबत का ऊपर कैसे कहते हैं ना इक्तफा करने का दर्श देते। सही। कि तैयार रहना, कौन पे सख्त वक्त आएगा, सिर्फ कौन पे ही सख्त वक्त आएगा, सर आपके ऊपर क्यों नहीं वक्त सख्त आएगा। सही। आपके घर पे बिजली कभी भी नहीं जाएगी, आपके महल बढ़ते रहेंगे। अब्दुल सत्तार इदीज एंड बिल्किस इदीज एंड ऑल ऑफ दोस पीपल, आई एम नॉट कोटिंग एनी वन पर्सन, ये नेचुरल अट्रैक्शन क्यों देते हैं, बिकॉज दीज पीपल आर गिवर्स। हम सबको पता है कि जो फुकर में खुश है उससे ज्यादा दुनिया में कोई मोटिवेटेड आदमी नहीं हो सकता। ये लोग फुकर में खुश होने की कभी भी ट्रेनिंग नहीं देंगे आप, बल्कि ये आपको फील कराएंगे कि निकलो इससे। जी जी, इफ यू आर बोर्न स्टूपिड इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई स्टूपिड दैट्स योर मिस्टेक। ये है मोटिवेशनल मंत्र, ये मंत्र है। इवन दो एंड में आके खुद बैठे होंगे दलाई लामा के पास किसी फिग ट्री के नीचे बैठे होंगे कि हमें चैन नहीं आ रहा, प्लीज हमें बताओ, अंदर से हॉलोनेस है, हमारे बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं, कोकीन चल रही है घरों में, एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। सही। But they are never going to admit to it ke, oh, you know what? क्योंकि वो बेचारे क्या करें, पेशा है ना, आपने सही लव शुरू में बोला था, प्रोफेशन है, पेशा है। लेकिन एक एक सवाल, सॉरी टू कट, बिकेगा नहीं ना प्रोडक्ट, क्या पैसे कमाने में, ग्रोथ करने में, ये एम्बिशन रखने में कि मैंने बहुत ग्रो करना है लाइफ में ताकि मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ इंजॉय करूँ, मेरे बच्चे कल को क्वालिटी ऑफ लाइफ इंजॉय करें, मैं चैरिटी करूँ, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करूँ, मैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस खोलूं, इसमें कोई हर्ज है, इस एम्बिशन को लेके कोई हर्ज है? मुझे बोलते रहते हैं बच्चे, सर हमने ना सदका करना है इसलिए पैसे बना रहे हैं। सही। हालांकि क्लास सिक्स में बताया गया था कि इट्स नॉट द अमाउंट ऑफ मनी, इट्स द वेट ऑफ द मनी। सही सही। जिसके पास कब सब कम पैसे होंगे उसका सबसे बड़ा सदका होगा। सही सही। ये सबको पता है, बीच में ये अपने आप को जो है ना धोखा देने वाली मशीन जो है ना, वो कहीं से अमेरिका से, यूट्यूब से या पाकिस्तान से, हजार पाकिस्तान में भी ना खाली वेस्ट वेस्ट ना लगाएं, लेट्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड। हर कोई ये बेच रहा है कि ज्यादा पैसे होंगे तो अल्लाह की ज्यादा काम कर सकोगे, हाउस बिल्ला, मतलब अल्लाह तो ये अमीरों के दीन है इस्लाम। सही। गरीब बेचारे दोजख में जाएंगे क्या? हालांकि जन्नत की और दोजख के डायलॉग हमें पता है, जन्नत दोजख से कहेगी, बिल्कुल सही है, तेरे पास क्या आया, तो दोजख कहेगी मेरे पास लीडर आए, मेरे पास उमरा आए, मेरे पास महलों के बादशाह आए, और तेरे पास क्या आया, तो जन्नत कहेगी मेरे पास तो गरीब ही आए। वो फिलॉसफी क्लियर है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये फिलॉसफी कोई हर्ज डाउन करते हैं ना, मैं बताता हूँ क्या हर्ज ना, आपको आसान, बहुत अच्छा सवाल, आपको कोई अपनी लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना चाहता है तो इसमें क्या हर्ज? क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो असल में स्पिरिचुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ है। जितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना कि लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आप मोहल्ले में आप एंटर हो तो लोग आप मुस्कुरा के देख रहे हो कि ये आया है तो हमारी बेहतरी होगी, ये होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ। सही। आपकी वजह से मोहल्ले वालों को रूट लगा हुआ और बाहर रोड पे गाड़ियां बंद हुई क्योंकि साहिल मियां की 50 जो है ना SUVs ने गुजरना, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। समझे, दिस इज मतलब कारून को इसी वजह से हम रिकग्नाइज करते हैं। कारून को क्यों नहीं यूनिवर्सिटी के लेक्चर के लिए बुलाते थे कि यार बड़े पैसे बनाए आ जाए, सबको पता था यार इसने ओवरऑल एक कैंसर क्रिएट कर दिया है। अभी जितने भी बिलियनर्स हैं ना सबको पता है कि यार 7% ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ इज इनसाइड द बैंक्स ऑफ दीस 2000 पीपल। 7% ऑफ ऑल द प्लैनेट्स वेल्थ स्टैग्नेट हो गई है। सही। सोचें क्या क्या हो सकता था उससे। अभी मैं आपको एक इसका एक छोटा सा टेस्ट बताता हूँ ताकि आपको आसान हो जाए। कैपिटलिज्म को आया हुआ जुमा जुमा 8 दिन हुए, 1783 में तो पैदा हुआ कैपिटलिज्म। सही। 1700 से पहले के मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या बातें करते थे, जरा सोचें, हमें पता है वो क्या बात, रूहानियत की बात, वो सोशल वेलफेयर और गिविंग की बातें करते थे, वो सेलिब्रिटीज थे उस वक्त। ये उस वक्त के एक भी स्पीकर का नाम नहीं इस वक्त वायरल होता, उसकी किताबें नहीं बिकती, क्यों? क्योंकि वो पैसे देने वाले लोग थे, वो लोगों को असली बातें बता रहे थे। हालांकि सोशलिस्ट, मैं सोशलिस्ट नहीं हूँ कहीं से भी, फॉर अ रीजन, कार्ल मार्क्स को अगर इतना ही पता होता ना तो मुंह के बल ना गिरती उसकी फिलॉसफी, जितने भी मार्क्सिस्ट
लोग इस्लाम में मार्क्सिज्म और मार्क्सिज्म में इस्लाम ढूंढ रहे हैं, वो किसी और लेक्चर में आए। द क्वेश्चन इज, उस वक्त के मोटिवेशनल स्पीकर एटलीस्ट ट्रू टू द केमिस्ट्री थे। केमिस्ट्री क्या है? अब्दुल सत्तार ईदी और किसी भी एक पॉलिटिशियन का नाम ले आ रहा हूँ, नेम एनी ऑफ देम, चाहे वो PMLN का हो या PTI का हो, एक साथ खड़ा करें और अंदर की आवाजें लगवाएं सबसे, कौन बेहतर है? Who do you wanna be? Not even one person, if he's true to himself, he's going to choose the MNA, the politician, or the billionaire, or the Bill Gates, or the Jack Ma's. They'll be like, yeah, end में मुझे यही बनना है, ये मैं चाहे रास्ता ही निकालूं, गोल मेरा ये है, क्योंकि मुझे नेचुरल अट्रैक्शन को डिनाई नहीं कर सक रहा हूँ, अंदर की केमिस्ट्री की आवाजें कुछ और है। सही। गरीब बनने के ऊपर इक्तफा करना और इसके ऊपर शुक्रगुजारी करना कि मुझे अल्लाह ने कम दिया है, मैं शुक्रगुजार हूँ, इसकी ट्रेनिंग मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं हो सकती ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज वो सिक्का बिकेगा नहीं, इसलिए दे कीप पंपिंग द मनी कार्ड इन। हालांकि सबको पता होता है एक खास उम्र के बाद, 40वें साल के बाद तो आया हो जाती है हकीकत कि यार सारा का सारा बोझ मैंने अपने ऊपर खुद डाला। आप मेरी बात ना माने, पता करें अपने अपने बच्चों को जो बड़े हैं, छोटे बच्चों को तो नहीं समझ आएगी, 15, 12, 14, 15, 16, 17 बार बड़े भी हैं, सबको हफ्ते में एक एक दिन ना अस्पताल लेके जाना शुरू करें, और जितने भी बुजुर्गान हो वहाँ पे जो है ना डेथ बेड्स पे बैठे हुए, उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाएं, बच्चों से पूछो अगर तुम्हें टाइम मशीन मिले वापस जाओ तो क्या करोगे, तो सबसे पहले वो कहेंगे मैं जाके मोटिवेशनल स्पीकर गोली मारूंगा, जिसकी वजह से मैं 50 साल अपने पैसे के पीछे लगा रहा, एंड में आगे क्या हुआ, ना मेरे रिश्तेदार मेरे पास हैं, ना मेरे पास सुकून है, और जन्नत तो गई कहीं मैं दूर ही कहीं छोड़ आया था, अब मैं पछता रहा हूँ कि ये टाइम रिवर्स करने वाली ट्रेनिंग किसे लेनी है। एवरी सिंगल मैन, आप मेरी बात नहीं किसी को समझ आ रही कि मैं बहुत ज़्यादा ऑल्ट्रिस्टिक और आइडियलिस्ट हूँ, तो आप वो क्या है एप्पल जो आपने एप्पल रखा हुआ है, इसका सीईओ का क्या नाम है, स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स का लास्ट लेक्चर पढ़ लें, सुन लें, वीडियो पे है, मगरमच्छ के आंसू निकल रहे हैं, वो तो खैर फेक होते हैं, बेचारा खून के आंसू रो रहा है कि मैंने किया क्या सारी लाइफ। खुद स्टीव जॉब्स का लास्ट लेक्चर पढ़ें, जितने मोटिवेशनल स्पीकर है ना उनके तमाचा है उनके मुंह पे, कि सारा कुछ करने के बाद जब हीरो ऑफ द हीरो बनेगा वो एंड में रो रहा होगा कि ये मैं एक इल्यूजन में मारा गया, मैंने सारी उम्र जाया कर दी। अलग बात है वो दीन की बात है नहीं करता, मगर वो बात केमिस्ट्री कर रहा था कि मुझे जो असली चीज़ें चाहिए थी वो है ही नहीं मेरे पास, मेरी फैमिली कोई नहीं है, आई हैड टू स्टील अवे द टाइम, स्ट्रिप इट आउट सो दैट आई कैन एक्चुअली गिव इट टू माई ओन सेल्फ। पैसा करियर का मतलब खुद होता है ना, आप बताएं स्टीव जॉब्स की बहू का नाम है, शी डज नॉट हैव अ करियर ना, सी द थिंग इज ही वाज सीरियस इन द करियर, एंड दिस करियर वर्ल्ड इज अ कैंसर which has caused more deaths to the dependents of those people who were chasing those careers than any other disease, cancer ho ya aids ho, polio ho ya typhoid ho, sabse zyada jo deaths hui na wo in is career world ki wajah se hui, jo ke dependents pata hi nahi chala kya hua, sari umre guzar di unhone bagair kisi, apne bachon ki shaklein dekhe 6-8 mahine ho jate hain ye, kyun America gaya hua naukri karne, wahan pe dollar kama raha hai, Korea gaya hua wahan pe डॉलर कमा रहा है, और इंग्लैंड गया हुआ है 6 महीने बाद आता है, और बिल्कुल ऐसे मिलते थे जेल से छूट के आया हुआ है, और फिर अगले दिन PIA का फोन आता है, विजिटिंग टाइम इज ओवर, वापस जाएं अपनी जेल में। दिस इज एन हिप्नोटिक स्टेट दैट एवरीबॉडी इज इन, एंड एवरीवन नोज कि इफ गिवन अ चांस दे आर गोइंग टू पुश द रीसेट बटन सो फास्ट दैट नो मोटिवेशनल स्पीकर इन दिस वे इज गोइंग टू इवन रियलाइज व्हाट हैपेंड। तो ये हुआ वीडियो ख़त्म, ये वीडियो था MA पॉडकास्ट का ना, तो प्लीज़ आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इन्होंने जो बातें बताई वो वाकई में काफ़ी सोचने वाली है, और मेरे हिसाब से एक डिफरेंट लाइफ जीने का तरीका होता है। मुझे जो समझ में आया मैं बाद में बताता हूँ, पहले जो हमारे बड़े हैं उनसे मैं पूछ लेता हूँ कि इनको क्या समझ में आया। हाँ भाऊ, उन्होंने बोला था ना अभी बीच में कि जो पहले थे, पहले के जो लोग थे जो पैसे देते थे उनका इतना नाम हुआ, लेकिन जो बाद में जो मिलियनेयर बने उनका इतना नाम हो गया कि उनके नाम के पीछे डॉलर लगा। उन्होंने मेसी और रोनाल्डो को भी वो दिया था, एग्जांपल दिया था ना, और बीच में बोला था कि कोई एक बिलियनर होता है तो उसे मोहल्ले में आता तो लोग समझते कि मेरी मदद करेगा, लेकिन वो आता है लेकिन वो वहाँ पे ट्रैफिक कर देता, मतलब
समझ में क्या है, समझ में क्या है वो जो बोला है, वो क्यों बात तुम्हें बताना, बोलना बोलना क्या चाह रहे हैं ये समझ में आएगा, ये पूछ रहा हूँ। तू बता ना पहले, बोल बोल मैं बता रहा हूँ, तू बोल तेरे को क्या समझ में आया वो बोल। ये वो बातें बोली वो समझ में, आप बताओ पूरी डिटेल में क्या। नहीं तू तू बता ना पहले, तू तेरी सोच क्या है वो तो बता पहले। बहुत बोलती है, बहुत बोलती है, बहुत बोलती है, मैं तो बोलता भी नहीं हूँ, बहुत चिल्लाती है, बहुत बोलती है, लेकिन देखो अभी बोलने का टाइम में नहीं बोलती। तो ठीक है, देखिए ये भाव ने बताया कि चलो ये पैसा आ गया, ये आ गया, गाड़ियाँ आ गई, ये आ गई, वो आ गई, ठीक है। इंसान ट्रैफिक भी लगा दिया इसने, ओके। तो अब ट्रैफिक हटा के मैं कुछ बोलता हूँ। इनका बेसिक कहना ये था कि लाइफ का जो तरीका होता है जीने का वो अलग होना चाहिए। मेरे को पैसा, लोग पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, लोग इसके पीछे भागते हैं, पूरी उम्र निकल जाती है और उसके बाद उनको पता नहीं चलता कि उन्होंने किया क्या है एंड टाइम में। उस ना तो कोई साथ में रहता है, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है कि सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है, ये हकीकत है। बाकी जो पैसे वाले होते हैं, वो स्टीव जॉब्स का नाम लिया कि मैंने इतना, मैंने मेरे पास क्या है पैसे के अलावा, नथिंग। तो सही है मेरे हिसाब से, इंसान को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कमाना चाहिए। उसके आगे कहते हैं ना कि ग्रीड बुरी चीज़ होती है। अगर मेरा पैसा वहाँ तक ठीक है जितना हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, परिवार साथ में, हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं, वहाँ तक ठीक है। उसके बाद भी अगर हम पैसा पैसा करेंगे तो ये सारी चीज़ें छूट जाती है, हम काफ़ी आगे निकल जाते हैं पैसे के चक्कर में, फिर एंड टाइम में हमारे साथ में कुछ भी नहीं होता और ये पैसा कुछ भी नहीं, इल्यूजन है वाकई में। तो और उससे होता ये है कि एक भीड़ शुरू हो जाती है। उन्होंने टोन मारा है जो मोटिवेशनल स्पीकर है, जो पैसा कमाने के तरीके बताते हैं, काफ़ी यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल हैं, वो बोलते हैं ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, ये करो। एम क्या है लाइफ का, ऊपर वाले ने हमें पैदा किया था, हमें करना क्या है। हम पैसा कमाने के लिए बहुत चीज़ें करते हैं, मेहनत करते हैं, ये करते हैं, पर मेरा सोचना ये है कि अपन किसी की हेल्प करें अपन, जिसमें अपना कोई मतलब नहीं हो, मतलब से सब हेल्प करते हैं, लेकिन बिना मतलब के आउट ऑफ वे जाके हम किसी की हेल्प करें तो शायद वो जो काम है ना वो हमें स्वर्ग में ले जाएगा, है ना, जन्नत में वही काम ले जाएंगे। बाकी मैं पैसा कमा रहा हूँ, वो पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ, मेरे लिए गाड़ी ले रहा हूँ, मेरे लिए मकान बना रहा हूँ, ये वर्थलेस है। और जो कहते हैं ना, ये जो ऐसी भौतिकता बोलते हैं, अब एक्चुअल में जो वर्ड मुझे मिल नहीं रहा है, उसके पीछे लोग भागते हैं, मतलब एक प्लास्टिक की मतलब दुनिया है, ये खरीदना, मोबाइल खरीदना, घर बनाना, कार लेना, इसके पीछे इंसान भागता रहता है और कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है कि मेरे फ्रेंड ने ली मुझे लेनी है, मेरे पड़ोसी ने ली मुझे लेनी है, और इसके पीछे जो लाइफ होती है ना एक्चुअल में, वो इंसान जी नहीं पाता है। मेरे हिसाब से लोगों की जो एक लाइफ होती है काफ़ी शॉर्ट हो जाती है, वो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या घर से काम, काम से, वो बाहर जो दुनिया है बहुत खूबसूरत दुनिया है, उसमें वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। तो ये बात उन्होंने बोली है, तो सही है, बात तो बिल्कुल सही है, पर एक्चुअल में प्रैक्टिकली लोग इस पर अप्लाई नहीं कर पाते, काफ़ी सारी बंदिशें होती है और लोग एक समाज में रहता है और वो सारे नियम फॉलो करता है और एक अनजान बंधन होता है, वो इंसान बन जाता है उसमें और उसमें लगा रहता है, वो उसको शादी करनी है, बच्चे करने हैं, उनको पढ़ाना है, ये वो समथिंग उल्टी है, समझ में। तो भाऊ और कुछ बोलना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और भी कुछ वीडियोस हो प्लीज़ आप हमें सेंड कर सकते हैं, और स्पेशली जो एम ए पॉडकास्ट चैनल है उसको आप बिल्कुल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, हिदाय पोर्टल नाम है चैनल का, नहीं उसमें तो एम ए पॉडकास्ट लिखा था ना, वो उनका पॉडकास्ट का नाम है। ओके, चैनल का नाम अलग है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, प्लीज़ जाके वहाँ जाके उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकी हमारे चैनल को भी कर दीजिए अगर आपको मौका मन करे तो, और बने रहिए हमारे साथ में, और भी वीडियोस आप सेंड करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय।